بسم الله الرحمن الرحيم. عن جنت متسلام نبي اكرم صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی حال مبارک پر آج ہم پینٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں 99 نئی محلہ کی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. یہ اسکیلنگ اس کی میں نے پہلے ہی کر لی ہوئی ہے کیونکہ اس پہ ٹائم ویسٹ ہونا. یہ باکسز لگا دیے آپ نے. کچھ لائٹ ہو جائیں گے, کچھ ڈارک ہو جائیں گے. پینٹنگ بنا رہے ہیں ہم یہ اس میں گرے میں اور گولڈ میں. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اس میں آپ پاکر یوز کر سکتے ہیں, فرنٹ بھی تھوڑا بہت آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. کلر چکے ہیں, تھوڑے تھوڑے لائٹ رکھنے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس پہ جب ٹیکسچر آئے گا تو تھوڑی یہ اور بزی ہو جائے گا. آپ اس میں کلر بھی یوز کر سکتے ہیں, آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ پہلے چونکہ جلدی ہو جاتے ہیں اس لیے اس تھیم میں یہ بیسٹ آپشن. آج مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی, تو میرے ٹیچر ہیں یہ ان کا بھی ہے اس پہ یوٹیوب پہ نا پیج بنا ہوئے محمد رنجر آفیشل سے آپ سے. تو انہوں نے اس پہ انگریز کی ہے کچھ, تو اچھا لگا مجھے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی آپ کریں جو آپ نے سیکھا ہوا ہے یا جس سے آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا نا کنٹینیو رکھنا چاہیے. تین بجے آپ چینج کرتے رہے کچھ بھی کر لیتے. میں ایکچولی بزی تھا پچھلے دنوں میں, تھوڑا سا سٹی گیا ہوا اس وجہ سے کچھ آن لائن بھی نہیں ہو پایا, کام بھی نہیں کر پایا.
कलर थोड़े से ना अपने तेल लगाने हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा अपने कुछ टेक्सचर भी इफेक्ट शो कर रहे हैं, नहीं तो ना बिल्कुल प्लेन ग्राउंड हो जाएगा। आज से कोशिश यही करेंगे कि कोई भी वीडियो जो है वो फास्ट करके ना आ गई है, ताकि जो बिजनेस है उनको समझ भी आए। स्टेप में तो ये होता है ना कि आपने सब कलर स्कीम देखी होती, उसको सिर्फ अप्लाई करने का हर बंदे का ना अपना एक अलग तरीका है, रिश्ते कर लेता है अप्लाई, किसी और चीज़ से कर लेता है, लाइफ भी यूज़ होते हैं। मैं ये ज़्यादातर जो है वो बाउ शीट यूज़ करता हूँ या हार से, नाइफ और ब्रश मैंने स्ट्रेप में बहुत कम यूज़ करता हूँ, मुझे अगर अच्छा लगता है वो बनाने वो सही रंगों में खेलने वाला काम हो जाता है। यही थीम की एक पेंटिंग ऑलरेडी एक थीम में बनी हुई है, उसकी वीडियो है इस पे चैनल पे बनी हुई, वो कंप्लीट वीडियो नहीं है इस पे। तो कुछ एक बार आपने बोला भी था कि इसकी मुकम्मल वीडियो अपलोड कर दें, तो मैंने सोचा कि इसको कलर स्कीम में चेंज कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जल्द इंशाल्लाह कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद ये कि डे बाई डे जो हो काम वो आपसे शेयर होता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े अपना सीक्वेंस के साथ बॉक्सेस लगाने, थोड़े बहुत इधर उधर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मेन काम जो है इसका इसके ऊपर होना है, वो ऑयल में चला जाएगा तो ये सारा जो है ना उसमें।
कोई गोल्ड भी ऐड हो उसके लिए मैं कुछ बॉक्स जो है वो छोड़ दूँगा, तो जब ये ट्राई हो जाएगा तो उसमें हम गोल्ड ऐड कर देंगे। नीचे वाली साइड पे तो मुझे कोशिश करनी है कि ऊपर वाली साइड से ड्रॉप कर दो, तब वो ना उसके रिफ्लेक्शन में चला जाए। तो इस पेंटिंग में हम जो कलर यूज़ करेंगे वो एक्रेलिक तो है ही, शेड्स की बात कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास वाइट ब्लैक होगा ग्रे के लिए और ऑकर ऑप्शन है हमारे पास इसमें। उसके बाद आप इसमें ऑयल में जब चले जाएंगे तो भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक में ब्राउन ब्लैक है शेड कोई भी है ना आपने बना के नहीं रखा, जितने भी शेड हैं वो साथ साथ बनाने हैं, साथ साथ अप्लाई करना है, तब एक बार शेड में ना थोड़ा सा चेंज आए, अगर चेंज नहीं होगा उसमें तो वो अच्छा नहीं होगा। स्केलिंग मैंने इसकी कर ली थी पहले से कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना हो। अब ये तीन बॉक्स मैंने छोड़े तो जैसे जैसे मुझे थोड़ा सा होगा फील के यहाँ पे लीफ का टच होना चाहिए तो उसको मैं छोड़ूँ, क्योंकि ऑफर यूज हुआ है हम इसमें गोल्डन यूज कर सकते हैं। जिनके पास लीफ नहीं है वो इसमें गोल्डन पेंटिंग गोल्ड एक्रेलिक भी यूज कर सकते हैं।
ये स्टीम का सबसे पहला प्रोसेस है इसका, क्योंकि बॉक्सेस जो हैं यही आपके जो ऊपर कलर आप करेंगे अप्लाई करेंगे उसके अफेक्टिंग बॉक्सेस में चेंज करना है। कुछ लाइट हो जाएंगे, कुछ डार्क रखेंगे, इसको एकदम से ब्रेक भी चाहिए। एक दो जगह पे मैंने उसको किया भी है, बिल्कुल स्टक कलर लगा देना या तो बिल्कुल लाइट में दे देना उसको, या उस पर डायरेक्ट कैच अप्लाई कर देना। स्टेप बाय स्टेप इसके भी 2 से 3 वीडियोस बनेगी, तो इसके वाइट्स भी काम होगा, लीफ भी ट्राई होने में टाइम लगेगा, कोशिश करूँगा कि 2 में हो जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जहाँ पे हमें घोल रखना है कोशिश करनी है कि उसके साथ साथ जो है कलर थोड़ा बढ़ा दें, तो नहीं भी होता तो उसमें भी इतना बड़ा इशू नहीं। किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं कंपोजिशन जो है इसमें, अब अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं कलर भी, आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगर फैमिली में रहे तो आप
जल्दी हम एक और थीम पे करेंगे काम, वो वुड पे है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो इंशाल्लाह इतने स्टूडियो चेंज करो, शिफ्ट करो, ये जगह थोड़ी सी जो है ना कम पड़ेगी, तो यहाँ पे वो काम हो नहीं सकता। जैसे शिफ्ट हो जाए, मतलब अभी कुछ दिन हैं इसमें, जैसे शिफ्टिंग हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम सबसे पहले रोड पे काम स्टार्ट करेंगे। रोड पे आप एक्सपर्ट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, उस पर रूट कौन से यूज होगी, जैसे जैसे हमने इसको कलर्स को डाउन करना है, थोड़े थोड़े डार्क करते जाएंगे हम इसको, क्योंकि एक लाजिम है इसमें, मतलब कलर्स पे नहीं आगे तो बिल्कुल डेप्थ नहीं होगी, उसका 3D इफेक्ट नहीं देगा। इसका एक और भी तरीका है, वो मैं आपको ना शॉर्ट भी बता दूंगा, ये तो इसका परफेक्ट वे है, इसको बहुत आसान तरीका है। वो ये कि आप कोई भी एक कलर सबसे नीचे लगा दें, तो आप वो सारा ब्राउन पे ऐड कर देंगे। अभी तो जैसे मैं वाइट पे काम कर रहा हूँ, वाइट की जगह कोई भी इनमें से कलर लगा सकते हैं। इसके बाद फिर आप ऊपर अपनी मर्जी के कलर अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें ना आपके पास ये जो वाइटनेस आ रही है ना, इसमें ये देखें जैसे ये इफेक्ट निकल रहे हैं वाइट, उसका ऑप्शन नहीं बचता फिर आपके पास। पोर्ट्रेट बनाने के लिए भी आपको नीचे अगर थोड़ा सा फ्रंट से काम कर लेते हैं ब्राउन से, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी।
बॉक्सेस हैं, इनमें हमने गोल्ड ऐड कर रहा है। उसके बाद फिर जब ये गोल्ड ऐड हो जाएगा ना इनमें, तो उसको फिर हम देखेंगे कि उसमें हमने और क्या क्या करना। जी तो अब ये इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो जैसे ये ड्राई हो जाएगा हम इस पर, सेकेंड प्रोसेस है इसका, हम इस पर लीफ अप्लाई करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।